सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको कल आरआरबी रेलवे क्लेरिकल पोस्ट के बारे में आपको जानकारी दी थी, उसके सिलेबस की और उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो आप पोस्ट की जो मैंने कल आपको सारी डिटेल बताई थी, उस एग्ज़ाम का नाम है आरआरबी एनटीपीसी, जिसमें आपके ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन लेवल की तमाम सारी एग्ज़ाम्स, लगभग 10,000 समथिंग पोस्ट आपकी निकलने वाली है, जिसमें आपके ट्वेल्थ पास लगभग 4,000 प्लस वैकेंसी होने वाली है, जिसमें मैंने आपको क्लेरिकल पोस्ट के आपको पद बताए थे, आपको अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट, ट्रेन मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एज अ ट्रेन, आपको जो भी सारी चीज़ें जो क्लेरिकल पोस्ट की अलग अलग कम से कम 7 से 8 पोस्ट होने वाली है, जिसपे आपकी 4,000 पदों पर भर्ती होगी। तो उसका सिलेबस क्या होने वाला है और किस प्रकार से आप उसकी रणनीति बनाकर तैयारी कर सकते हो, ताकि आप इजीली आप रेलवे में सिलेक्शन ले लो। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। चलिए आज को वीडियो शुरू करते हैं। तो आज अपन जो आरआरबी रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है और उसका सिलेबस क्या होता है, वो सब कुछ आपको मैं डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी के जो कितने फेजेज होते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी, क्या सिलेबस होने वाला है, वो सारी चीज़ें डिटेल्ड में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम का पैटर्न बताने वाला हूँ कि कितने फेज में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और जो जो क्लेरिकल पोस्ट है उन क्लेरिकल पोस्ट पे आपका कितने फेज होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल्ड में बताऊँगा। तो सबसे पहले आपके CBT 1 और CBT 2 और आपका जो टाइपिंग टेस्ट है, ये आपके 3 एग्ज़ाम के फेज रहते हैं। CBT 1 में क्या होता है, CBT 2 में क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आरआरबी एनटीपीसी की जो क्लेरिकल पोस्ट होती है, जो ट्वेल्थ पास वाले बच्चे देंगे उनके लिए बता रहा हूँ, और जो ग्रेजुएशन वाले देंगे उनके लिए भी बता रहा हूँ। तो CBT 1 आपका 100 नंबर का होने वाला है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर होने के साथ साथ इसमें 1/3 माइनस मार्किंग रहती है, 1/3 की माइनस मार्किंग होने वाली है। इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपके 30 नंबर के मैथ्स के क्वेश्चन, 30 नंबर के रीजनिंग और 40 नंबर का GK GS आएगा। GK GS में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें आपकी GK GS में आने वाली है। बात करते हैं मैथ्स रीजनिंग की, तो मैथ्स रीजनिंग आपका जो क्वालिफाइंग नेचर होगा, वो आप अपना 10th 12th के जो अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलें। इसमें आपके जो मैथ्स के लगभग सारे टॉपिक आपको कवर करके चलना है, ऐसा कोई सा भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, जो आपसे यदि क्वेश्चन आ जाए तो नहीं बने। तो आपको सारे टॉपिक कवर करके चलना है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, रेलगाड़ी वाला, नाव वाला, ये सारे आपको कवर करके चलने हैं, ताकि आपका जो मैथ्स है वो बहुत शानदार रहे। बात करते हैं रीजनिंग की, तो सेम रीजनिंग में भी आपको जितने भी ब्लड रिलेशन से लेके अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, सारे चीज़ें आपको जो है जितने भी टॉपिक होते हैं रीजनिंग में, वो सारे कवर करके चलने हैं। वो आपके जो बुक है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बुक भी बता दूंगा कौन सी बुक से आप कवर कर सकते हो। तो ऐसे करके 30, 30 और 40 नंबर का आपका क्वालिफाइंग नेचर आपका प्री CBT 1 होने वाला है। ये तो हो गया आपका CBT 1 क्वालिफाइंग नेचर क्लियर करने के बाद आपका होगा CBT 2। CBT 2 में भी कोई सा भी नया सब्जेक्ट नहीं ऐड हो रहा है, यहाँ पर आपका मैथ्स, रीजनिंग और GK GS ही रहने वाला है, बस आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। 35 नंबर की मैथ्स रीजनिंग, 35 नंबर का मैथ्स, ठीक है, और आपके 50 नंबर का GK GS हो जाएगा। तो ऐसे करके ओवरऑल आपके 120 नंबर का आपका CBT 2 होने वाला है। मेन जो एग्ज़ाम है वो CBT 2 ही रहेगा आपका, उसके अकॉर्डिंग ही, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। डायरेक्ट आपको जो नंबर आएंगे उन नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको मेरिट बनेगी। ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। बुक में आपको बता देता हूँ आपको बुक कैसे कवर करनी है। तो मैथ्स के लिए आप यदि आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो राकेश यादव सर के उससे पढ़ सकते हो मैथ्स के लिए, और तमाम प्रकार के आदित्य रंजन सर हैं, उनसे आप मैथ्स पढ़ सकते हो, उनकी बुक आती है मार्केट में, उनके लिए आप बहुत अच्छे से बुक से प्रिपेयर कर सकते हो मैथ्स, और SSC के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर होते हैं आप उनको भी लगा सकते हो मैथ्स के लिए। बात करते हैं तो रीजनिंग की किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आप उठा के देख लो, तो बहुत सारा आपका रीजनिंग का पोर्शन एक बार में ही कवर हो जाएगा। और देखा जाए तो एक 27,000 प्लस क्वेश्चंस की खान सर की एक बुक आती है, आप उससे भी कवर कर सकते हो। ये तो हो गया आपका। फिर GK GS की बात करें तो करंट अफेयर आपको पढ़ना है, कोई से भी सर का एक यूट्यूब चैनल ले लीजिए, गौरव सर से आप यूट्यूब चैनल का करंट अफेयर पढ़ सकते हो, डेली 8 बजे जो क्लासेस डलती है, कोई से भी सर को आप पकड़ सकते हो जिसको करंट अफेयर करवाते हैं। बात करें तो लूसेंट आपको पढ़नी ही पढ़नी है, आपको एक स्पीडी करके आती है, वो स्पीडी पढ़नी ही पढ़नी है, करंट अफेयर करना है,
जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करनी है। जब जाके आपका दोनों CBT 1 और CBT 2 के लिए आप प्रिपेयर रहोगे। बात करते हैं जैसे क्लरिकल पोस्ट की, जो सो टाइपिस्ट वाली पोस्ट है उस पर टाइपिंग होगी, तो 30 शब्द प्रति मिनट आपकी इंग्लिश की होने वाली है और 25 शब्द मिनट आपकी हिंदी की होने वाली है। तो दोनों में से आपको एक करनी है। एक करने के बाद ये सारी चीज़ आपकी मैंने पूरी प्रोसेस बता दी। अब इनकी तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी आपको ऐसे करनी है, यदि आपके पास फुल डे आप फ्री हो, फुल डे आपके पास टाइम है, तो तीनों सब्जेक्ट को आप एक एक घंटा भी दोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। बुक मैंने बता दी, बुक के अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपका लगभग अभी टाइम है आपके पास, मतलब कम से कम मान के चले तो चार से पाँच महीने आपके पास अच्छे खासे है। 4 महीने तो आप मान के चले, उन 4 महीने में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो RRB, रेलवे, NTPC, क्लेरिकल पोस्ट के लिए, जिसमें TC आपका जो स्टेशन मास्टर होता है वो, ट्रेन मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर वहाँ का, वो सारी क्लेरिकल पोस्ट पे आप बैठ सकते हो, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी और बुक भी बता दी है, तो आप अभी से भी तैयारी करते हो तो आराम से आप सिलेक्शन ले लोगे। तो होप्स आपको डिटेल्ड में सिलेबस और आपको जो एक मैंने रणनीति बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो यही आपको बताना था, होप्स आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।